हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा सुपर रिच डार्क चॉकलेट ट्रफल केक। चॉकलेट ट्रफल केक में हम एक्चुअल ट्रफल्स बनाएंगे, तो ये है चॉकलेट ट्रफल वाला केक। केक का बेस बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा गुनगुना वार्म दूध आप ले, फिर डालें एक टीस्पून वाइट विनेगर या फिर आप नींबू का रस लेमन जूस डाल सकते हैं। मिक्स करें और 10 मिनट तक रख दें, यह हल्का सा फट जाएगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हमें चाहिए। फिर डालें एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर या डेयरी व्हाइटनर, 6 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस या फिर एक्सट्रैक्ट आप डाल सकते हैं, और 2 टेबल स्पून तेल या मेल्टेड बटर आप डाल सकते हैं। तेल यूज़ करें रिफाइंड या जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, मतलब राई का तेल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ये यूज़ ना करें। अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद डालें आधा कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, डच प्रोसेस्ड बेकर्स विल या आई एम प्योर ब्रांड की मैं यूज़ करती हूँ, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। जो 1/4 टीस्पून वाला चम्मच आता है उसका आप आधा ले लें, वो 1/8 हो जाता है। उसके बाद एक विस्क से आप इस तरह से थोड़ा सा फेंटे ताकि जो लम्ब्स है गुठलियाँ हैं वो निकल जाए, बस हल्का सा गुठलियाँ निकलने तक, ज़्यादा इसे हमें फेंटना नहीं है। उसके बाद जो स्पैचुला है उसे साइड्स आप क्लीन कर लें और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ 4 इंच का छोटा जो बेंटो बॉक्स केक के लिए मोल्ड आता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 6 से 6.5 इंच का केक बनाना चाहते हैं, मतलब मोल्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो रेसिपी को डबल कर दें। टैप करें और एयर बबल्स निकाल दें। कढ़ाई के इंस्ट्रक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर मैं बेक कर रही हूँ इसे अपनी OTG में। केक बेक हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे कवर करके मैं 1 से 2 घंटे पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ट्रफल के लिए और केक को कवर करने के लिए 200 ग्राम चॉकलेट या फिर आप कंपाउंड ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून दूध डालें और इसे आप माइक्रोवेव करें या फिर डबल बॉयलर पर मेल्ट करें, मिक्स करें। डबल बॉयलर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूध गर्म करके डालें। मैं यूज़ कर रही हूँ 45% डार्क चॉकलेट, आप कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। 55 या उससे ज़्यादा डार्क चॉकलेट अगर आपको पसंद है तो आप यूज़ करें। गनाश मैंने रख दिया है साइड में, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे रेफ्रिजरेट करना है थोड़ी देर के लिए। अब केक ठंडा हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं मोल्ड से। केक काफ़ी लेवल्ड है वैसे भी, पर मैं थोड़ा सा इसे बस हल्का सा लेवल कर रही हूँ। अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसे 3 लेयर्स में। शायद मैंने ठीक से टैप नहीं किया, बीच में एक बबल सा बन गया है, पर कोई बात नहीं, केक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना हुआ है। तो कंटिन्यू करते हैं इसी केक के साथ। इसे आप डायरेक्टली केक बोर्ड या प्लेट पर सजा सकते हैं, या फिर आप टर्न टेबल पर पहले सजा कर आप शिफ्ट कर सकते हैं। डालें थोड़ी सी शुगर सिरप ताकि जो केक है ये और मॉइस्ट हो जाए। ये देखिए, गनाश फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ा सा ये टाइट हो जाए। अब आपको गनाश को फ्रिज में रख के थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से तो हल्का सा माइक्रोवेव करें कुछ सेकंड्स के लिए, या फिर डबल बॉयलर पर रखें। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको फ्रिज में ज़्यादा देर रखना पड़ेगा, ठंड का मौसम है तो बिना रखे भी ये गनाश आपका ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको अपने मौसम, मतलब जैसा मौसम है उसके हिसाब से रखना होगा। लूज़ हो जाए तो थोड़ा सा फ्रिज में रखें, टाइट हो जाए तो हल्का सा माइक्रोवेव या डबल बॉयल कर लें। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव किया ताकि लूज़ हो जाए और आसानी से मैं केक को कवर कर पाऊँ। अगर आप बहुत टाइट स्टिफ गनाश से केक को कवर करने जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो केक को पूरी तरह से कवर कर लें। लगाते लगाते ये काफ़ी सेट हो गया है, मौसम फिलहाल ठंडा है तो मैं इसे एक केक कोम से इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। अगर गर्मी का मौसम है, फ्रिज में रख दे केक को 5 मिनट के लिए और उसके बाद आप केक कोम से सजा सकते हैं। अब मैं केक को ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्लेट में, पर आप चाहें तो किसी प्लेट या बोर्ड पर डायरेक्टली आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये है मेरा मिरर ग्लेज जो मैंने हाल फिलहाल में एक केक रेसिपी में बनाया था। तो आप मिरर ग्लेज से या फिर गनाश को ही थोड़ा पतला करके आप साइड से ऐसे ड्रिप्स डाल सकते हैं। अगर आपको इस ग्लेज की रेसिपी देखनी है तो आप मेरा मिरर ग्लेज वाला जो केक है उसकी रेसिपी देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए, अब इतना गनाश बचा हुआ है जो हमने 200 ग्राम चॉकलेट से बनाया था, इसे मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में जब तक कि अच्छे से हार्ड ना हो जाए। गनाश अच्छा खासा हार्ड हो गया है, मतलब ये चॉकलेट नहीं बनेगा वापस। ऑब्वियसली हमने इसमें मिल्क डाला है, आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं गनाश बनाने के लिए। तो छोटा सा टुकड़ा लेके आप छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनाएं, इन्हें कहा जाता है ट्रफल्स। इन ट्रफल्स को हम बनाएंगे और उसके बाद कोट करेंगे कोको पाउडर में। अगर गर्मी का मौसम है और ट्रफल ज़्यादा पिघल रहे हैं तो बनाएं और तुरंत वापस से इन्हें आप फ्रिज में रख दें। ये देखिए, ट्रफल्स रेडी है, इन्हें हम कोको पाउडर से कोट करेंगे। तो कोको पाउडर को आप
किसी लंबे से डब्बे में या किसी भी छोटे प्लास्टिक के डब्बे में ले लें, थोड़ा सा कोको पाउडर डालें, ट्रफल डालें और इस तरह से आप मिला लें। बहुत ही आसानी से और जल्दी से आपका जो ट्रफल है वो कोको पाउडर से कोट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोको पाउडर निकाल दें। इस साइज के डब्बे में इतनी कोको पाउडर डाल के आप एक टाइम पे 4 से 5 ट्रफल्स को भी कोट कर सकते हैं। तो 4 से 5 डालें, मिक्स करें और बस इन्हें निकाल लें। अभी जो ट्रफल्स हैं इन्हें मैं रख रही हूँ केक पर। साइड साइड में आप इस तरह से ट्रफल्स को रख दें और बीच में आप जो बची हुई कोको पाउडर है थोड़ी सी छिड़क सकते हैं। तो ये है हमारा चॉकलेट ट्रफल केक, जिसका वजन है 500 ग्राम ट्रफल और गनाश सब कुछ मिलाकर, हाँ प्लेट को छोड़ के। तो हमारा ये बहुत ही टेस्टी, सुपर रिच, मॉइस्ट और दिखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि बेकरी से लिया है, वो भी अच्छी वाली बेकरी से लिया है, ऐसा ये लग रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है। पर बहुत ही टेस्टी बनता है और ऊपर के जो ट्रफल्स हैं वो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मेरे बेटे को तो ये ट्रफल्स इतने पसंद है कि बस पहली बार जब मैंने उसे खिलाया था उसके बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गया था कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो उसे छुपाना पड़ता है जब भी ऐसा कोई केक या ट्रफल मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मॉइस्ट है और गनाश की जो पतली लेयर्स है बीच में वो इसे बहुत अच्छा टेस्ट देती है और ऑब्वियसली ट्रफल्स तो मज़ेदार है ही। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।